जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और IPO के बारे में जो इस साल का चौथा IPO है। एंड अगर इस IPO का जो कंपनी ये IPO लेकर आ रही है, अगर उसके बिजनेस की बात करें तो वो आप मेरे थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो कहाँ पर यूज होती है। तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो किचन्स में यूज होने वाली प्रोडक्ट्स है। एंड उसमें कई तरह की आप तो जानते ही होंगे कि किचन में अगर देखेंगे तो बहुत सारे बहुत सारे जैसे चम्मच, कुकर हुआ, उसी तरह गैस चूल्हा हुआ और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यूज होती हैं। तो ये सभी चीज़ें ये कंपनी आपको बनाते हुए देखने को मिलेंगे दोस्तों। एंड अगर इनके IPO की बात करें तो मुझे लगता है कि IPO आपको शानदार पैसा दे सकता है, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही शानदार हमको देखने को मिल रहा है। सो एक बार हम इनके बिजनेस देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे IPO का जो प्राइस है वो कितना रखा गया है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि IPO कब ओपन हो रहा है एंड वो क्लोज कब हो रहा है एंड उसके बाद देखेंगे कि लिस्टिंग डेट उसका कब है। सो दोस्तों ये सभी चीज़ें हम देखेंगे एंड लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे कि इनका IPO जो है हमको पैसा दे सकता है या नहीं, और दे सकता है तो वो कैसे दे सकता है। सो एक बार इनका प्रोडक्ट देखते हैं, उसके बाद हम आगे की और भी बातें इनकी चर्चा करेंगे। सो यहाँ पर हम इनके प्रोडक्ट पर आ गए हैं एंड आप देख भी सकते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये कुकर्स बनाने वाली कंपनी है। एंड यहाँ पर आप जो लोगो देख रहे हैं पिजन, ये इनका ब्रांड है, बहुत ही शानदार ब्रांड है एंड विश्वास करने इस ब्रांड पे लोगों का विश्वास भी बहुत ज़्यादा रहता है। एंड यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये फ्राई आपको देखने को मिल रहा है, ये भी इन्हीं का है। एंड जिस जो IPO आ रहा है उसके बारे में बात करें तो उसका नाम आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा है कि स्टोव क्राफ्ट, जी हाँ इन्हीं का IPO आ रहा है। एंड और भी प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये गैस चूल्हा भी आपको देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही शानदार है। एंड यहाँ पर आप ये और भी चीज़ें देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह की इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं दोस्तों, अगर आप देखने चलेंगे तो करीब 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है दोस्तों। एंड अगर इनके बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो बिजनेस है वो लगभग हर घर में यूज होने वाले ऐसे प्रोडक्ट है जो हर घर में यूज होते हुए होंगे। भले इनके ब्रांड के अगर प्रोडक्ट नहीं यूज हो रहे, लेकिन दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट, मतलब ऐसे प्रोडक्ट ये कंपनी बना रही है जो हर जगह यूज होने वाली हो, तो कंपनी का जो बिजनेस वो हमको शानदार देखने को मिल रहा है। सो अब सीधा चलते हैं कि IPO का जो ओपनिंग डेट है वो देख लेते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि कंपनी का जो क्या क्या स्ट्रेंथ है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। सो पहला जो मजबूती, मतलब स्ट्रेंथ मतलब मजबूती होता है, तो अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो स्ट्रेंथ है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट किचन अप्लायंस कंपनी इन इंडिया। सो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया का मतलब लार्जेस्ट में से एक कंपनी है जो किचन्स के मामले में जो बना प्रोडक्ट बना रही है। एंड अगर इनके प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो कई तरह की ये प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड इनका जो ब्रांड है वो भी बहुत ही आपको देखने, मैंने अभी पहले बताया कि जो इनका पिजन ब्रांड है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड उस पर लोगों का विश्वास भी रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनका जो तीसरा स्ट्रेंथ है वो यही है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम। एंड चौथी बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी आपको मजबूत देखने को मिल रही है। चौथी पांचवी की बात स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दोस्तों इनके पास है। एंड अगर इस कंपनी के प्रमोटर की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजेंद्र गांधी एंड सुनीता राजेंद्र गांधी आर द कंपनी प्रमोटर, तो ये दोनों ही इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। एंड अगर इनके रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इनका बैलेंस शीट है वो हमको अच्छा ही देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018, 2019, 2020 एंड ये 6 महीने का यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है जो कि सितंबर तक का ही है। तो 2018 में देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी बातें यहाँ पर होगी वो मिलियंस में होंगी, या वो आपको लिखा हुआ देखने को मिल भी रहा है। एंड यहाँ पर जो भी बात
मार्च 18 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3,936, उसके बाद मार्च 19 में 4,257, फिर मार्च 20 में 4,712 आपको देखने को मिला। एंड यहाँ सितंबर की बात करें, ये 6 महीने का डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिला है, जो 4,984 आपको देखने को मिला है। तो ये हो गए टोटल एसेट्स दोस्तों, जो कि हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है एंड शानदार हमको बढ़ते हुए नज़र आ रही है। एंड टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्च 18 में 5,345 एंड मार्च 19 में देखा जाए तो 6,425 एंड मार्च 20 में देखा जाए तो 6,729 आपको देखने को मिल रही। तो अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो साल हर साल यहाँ पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर 6 महीने का अगर डाटा देखा जाए तो 3,295 आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। एंड प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि कंपनी को 2018 में माइनस में ये कंपनी चल रही थी 120.18 मिलियन का, जबकि 31 मार्च 2019 की बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि 7.36 मिलियन का इनको प्रॉफिट हुआ था, जबकि मार्च की बात करें तो मार्च 2020 में मतलब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31.70 का इनको मिलियंस का प्रॉफिट हुआ था, जबकि यहाँ पर आप देखिए ये 6 महीने का डाटा आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर 6 महीने में हम देख सकते हैं कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो करीब एट गुना आपको अधिक देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा हमको बहुत ही अच्छा चीज हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सीधा सीधा 6 महीने में हमारी जो कंपनी है स्टॉक क्राफ्ट वो करीब करीब 7 से 8 गुना प्रॉफिट अधिक दर्ज कर रही है। तो बहुत ही अच्छी इनका बिजनेस है। एंड 2018 की बात करें तो इनको माइनस में ये कंपनी हमको देखने को मिल रहा है। एंड इशू की बात करें तो कि ये कंपनी क्यों मतलब आईपीओ ला रही है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टू मेक द रीपेमेंट और प्री पेमेंट ऑफ कंपनी बोरोइंग फुल्ली और पार्टियली। एंड दूसरा इशू की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं टू मीट जनरल कॉरपोरेट पर्पस, तो ये दो पर्पस की वजह से ये लोग आईपीओ को लेकर के आए हैं। एंड स्टॉक क्राफ्ट का आईपीओ की डिटेल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो आईपीओ ओपन होगा वो 25 जनवरी को ओपन होगा एंड क्लोज की बात करें तो 28 जनवरी को ये क्लोज हो जाएंगी। एंड फेस वैल्यू की बात करें तो आपको 10 रुपया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड आईपीओ के प्राइस की बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो 384 से 385 रुपये पर इक्विटी शेयर इनका प्राइस है। मार्केट लॉट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 38 शेयर आपको लेना ही पड़ेगा, कम से कम भी आपको 38 शेयर ही लेना है। लिस्टिंग की बात करें तो BSE NSE दोनों ही जगह ये कंपनी लिस्टिंग होने जा रही है। एंड इशू साइज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इशू साइज है वो 412.63 करोड़ का है। एंड फ्रेश इशू की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 95 करोड़ का है। एंड ऑफर फॉर सेल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 82,50,000 इक्विटी शेयर्स का ऑफर फॉर सेल है दोस्तों। एंड अगर आईपीओ का डिटेल देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आईपीओ ओपन होगी वो 25 को ओपन होगी, 25 जनवरी, आईपीओ क्लोज 28 जनवरी को होगी। आईपीओ अलॉटमेंट की बात करें तो यहाँ पर 2 तारीख को अलॉट हो जाएगा जिनको मिला होगा, एंड जिनको नहीं मिला होगा तो उनके जो पैसे होंगे वो रिफंड हो जाएंगे 3 फरवरी को। एंड जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ होगा उनके डीमैट अकाउंट में 4 फरवरी को ये शेयर्स चले जाएंगे। एंड अगर आईपीओ की लिस्टिंग की बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आईपीओ की लिस्टिंग डेट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 5 फरवरी को इनके लिस्टिंग डेट है। सो बहुत ही इनका जो बिजनेस है दोस्तों वो तो मुझे बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। इस वजह से मैं यही कहूँगा कि आईपीओ आपको जरूर पैसा देकर जाएगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिस्क एक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बजट आने वाला है, जो निर्मला सीतारमण जी बजट लेकर के आने वाली है दोस्तों, वो फरवरी के स्टार्टिंग 1 या 2 तारीख को ही लेकर के आने वाली है। अगर उनका जो बजट आएगा अगर मार्केट के हिसाब से सही रहा तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ मार्केट के हिसाब से अगर वो बजट नहीं रहा तो वहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। एंड आप ये भी देखिए कि यहाँ पर इनका जो आईपीओ का लिस्टिंग डेट है वो 5 फरवरी आपको देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की पॉइंट है, लेकिन उसमें कोई बात नहीं दोस्तों, अगर ऐसी कोई भी बात रहेगी तो मैं एक इस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों। एंड अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम 1 लॉट में 38 शेयर आपको लेने पड़ेंगे जो 14,630 रुपये का होंगे। एंड मैक्सिमम की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में तो 13 लॉट तो आप अधिक से अधिक ले सकते हैं, जो कि 494 शेयर्स होंगे, जो 1,90,190 शेयर्स होंगे। एंड प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्री
इशू जो 61.31 देखने को मिल रही है एंडो, उसके बाद का अभी इन्होंने डाटा यहाँ पे नहीं दिखाया है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आईपीओ जो आ रहा है वो बहुत ही शानदार आईपीओ है। एंड सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ये है कि दोस्तों कि इनका जो बिजनेस है, क्योंकि मान लीजिए अगर वो जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि बजट बजट वाला दिन भी उसी टाइम पे रहेगा, 1 या 2 तारीख को बजट का घोषणा होगा, तो अगर कुछ ऊंच नीच भी होता है तो वहाँ पर आपको जो पैसे मतलब वो आईपीओ में आप जानते हैं कि अगर मार्केट डाउन रहा तो वहाँ पे आपके पैसे थोड़ा से फंस जाते हैं, मतलब डूब जाते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर ये जो कंपनी आपको देखने को मिल रही है एंड इनका जो बिजनेस आपको देखने को मिला है दोस्तों वो बहुत ही शानदार है, तो रिकवर करके ये आपको मतलब पैसा भी वापस कर सकते हैं और भी बहुत जल्दी। एंड जैसा कि हमने रिजल्ट में आपको देखा भी था कि इन्होंने 2019 से 2020 सितंबर तक में ही करीब 7 से 8 गुना तक प्रॉफिट कर रही है दोस्तों। सो बहुत ही शानदार बिजनेस है एंड आईपीओ के बारे में मैंने आपको सभी बातें बता दी। एंड मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे एक ही रिस्क है कि बजट आने वाला है, एंड उसके अलावा देखा जाए तो और कोई भी रिस्क अभी प्रेजेंट टाइम के मार्केट में हमको देखने को नहीं मिल रही हो। सो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।